नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रहा है। कई लोगों ने यह सवाल पूछा क्योंकि सत्ता के गलियारों में ये चर्चा तो चल ही रही थी और पिछले एकाध महीने से ऐसा लग भी रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के बीच बातचीत चल रही है, फिर से दोनों एक हो सकते हैं। और 19 दिसंबर को जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, उसके बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी की भी खबरें आने लगी। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको फोन किया, लालू प्रसाद यादव ने भी फोन किया। आज काफी समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी कोई नाराजगी नहीं है। और वैसे भी पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम को देखें तो लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो बातचीत पटरी पर चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक गई है, रोड़ा अटक गया है। रोड़ा समझते हैं ना, रोड़ा अटक गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक बिहार में सत्ता परिवर्तन का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ना हो जाए। अब सवाल यह है कि रोड़ा कहां से अटका और क्या वजह है, पिछले 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ, इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान ये देना है कि दोनों पक्षों के नेताओं के बयान पर ध्यान दें आप तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। आज बीजेपी का भी बयान आया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के बिना नहीं रह सकते। देखिए, कहीं ना कहीं बात जो थी उसमें यह था कि सत्ता परिवर्तन इस बार होगा लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये शर्त थी। और नीतीश कुमार को कोई पद ऑफर करने की बात थी लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बनी नहीं। और परसों जिस प्रकार से सुशील कुमार मोदी का बयान आया, यौवन कुंठा को लेकर जो उनका बयान था, वो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला नीतीश कुमार पर था उनका। देखिए, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी 2005 से सरकार जब चलनी शुरू हुई तो दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर बिहार के विकास के लिए काम किया और इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व में ये बात, नेतृत्व के दिमाग में ये बात आ गई है कि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार से बहुत करीब हैं, ज़्यादा करीब हैं। अब इस चीज को हटाने के लिए 2013 में जब पहली बार गठबंधन टूटा था जेडीयू और बीजेपी का, तो उस समय भी ये बातें आई थी पर सुशील कुमार मोदी ने उस समय भी स्टैंड लिया था, वो बोलने लगे थे खिलाफ में नीतीश कुमार के। पर एक बार जब मन में आ जाए कि भाई आप नीतीश कुमार के ज्यादा करीबी हैं तो उसको हटाना मुश्किल होता है कहीं ना कहीं, जब क्योंकि बीजेपी में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। 2020 में एनडीए सत्ता में आई लेकिन सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, जिसका बेहद अफसोस अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। तो जब ये बातचीत चली और उसमें हुआ कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो नीतीश कुमार की तरफ से ऐसी चर्चा है, बताई जा रही है कि उन्होंने शर्त रखी कि भाई सुशील कुमार मोदी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार का। अब ये जो नीतीश कुमार का ये, अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेतृत्व के दिमाग को ये लगा कि अभी भी, आज भी इनकी करीबी, ये बेहद करीब है आज भी, तभी तो नीतीश कुमार आज भी उन्हीं का नाम लेते हैं। अब इन चीजों को हटाने के लिए, इस चीजों, इस
टैग को हटाने के लिए सुशील कुमार मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया उस दिन। खैर, राजनीति में तो कोई किसी का परमानेंट न दुश्मन होता है न दोस्त होता है, पर अभी एक चीज है कि कहीं ना कहीं रोड़ा अटका हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो जेडीयू का अपना जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। उद्देश्य यह था कि आरजेडी का जो दबाव है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, उस दबाव में वो दबाव लगभग खत्म हो गया। वैसे भी माना जा रहा था कि इंडी गठबंधन की बैठक में अगर नीतीश कुमार को कोई पद मिल जाता है, संयोजक बनाए जाते हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो ये रास्ता आसान हो जाता, पर वहां भी कुछ नहीं हुआ। ममता बनर्जी की वजह से, मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी ने जो प्रस्ताव दे दिया अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, तो वो कहीं ना कहीं एक सेटबैक हुआ और दुख जरूर हुआ, नाराजगी नहीं कहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को भी दुख हुआ और लालू प्रसाद यादव को भी दुख हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार का दुख दूसरा था और लालू यादव का दुख दूसरा था, पर दुख जरूर हुआ। अब इसको डैमेज कंट्रोल करके फोन किया गया राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। खैर, तो अभी की स्थिति परिस्थिति यह है कि जो दबाव था आरजेडी की तरफ से वो कम हो गया है, बीजेपी के साथ जो बातचीत थी वो कहीं अटक गया है, पोस्ट को लेकर हो या फिर बहुत सारी चर्चाएं हैं इसमें। तो कुल मिलाकर अभी का जो सिचुएशन है वो लग रहा है कि चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है, अनलेस कि 29 दिसंबर को जो बैठक होने वाली है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की नई दिल्ली में, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसमें क्या फैसले होते हैं, उसमें अध्यक्ष बदला जाता है नहीं बदला जाता है, या फिर तमाम तरह की बातें सामने आएगी पार्टी की रणनीति को लेकर जो बातें होंगी, तो बहुत कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।